नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइमिंग और ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में ओपनिंग ऊपर होने के बाद पूरा दिन साइडवेज मोमेंटम हमको देखने को मिला। बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई की तैयारी चल रही है, तो वो एक्चुअली ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा है। 18,887 है, लेकिन वो हाई बना के आज भी 876 तक गया और वहाँ पे जाके रुका और 862 में बंद दिया। तो ऑल टाइम हाई के लिए कल एक्सपायरी डे है और एक्सपायरी डे के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो कल एक्सपायरी के लिए शायद उन्होंने रिजर्व रखा होगा, तो ऑल टाइम हाई कल एक्सपायरी में हम लोग वोलेटिलिटी लेके आएंगे। तो एक्सपायरी में कल हमको कॉशियसली ट्रेड करना है, जो ऑल टाइम हाई होने के बाद आइधर ऊपर की तरफ जोर से मूवमेंट आएगी या तो ऊपर की तरफ मूवमेंट आके वापस ये लोग फंसाते क्या, इसके लिए हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी में जब तक 43,980 क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको बाय नहीं करना है। 43,980-44,100 अगर क्रॉस हो जाएगा तो बैंक निफ्टी में हमको सेम डे 44,500 देखने को मिल सकता है। नीचे के साइड में अगर 43,980 क्रॉस होने के बाद अगर 43,620 टूटता है तो फिर हमको वहाँ पे सेलिंग करना है और उस इन दैट केस 43,730 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 320 टूटने के बाद मीडियम टर्म सेल आ जाएगा और एक बार मेरे हिसाब से 44,100 क्रॉस हो जाएगा तो हमको 45,600 का नया टारगेट हमको ओपन हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी जो है वो मिसाइल मूवमेंट देगी करके मैंने बोला है। तो 45,600 ये मेरा टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो आज क्या हुआ, तो आज हमको देखने को मिला कि मॉर्निंग की एक कैंडल नीचे आई, ऊपर के बाद जो एक हाई बना वो हाई इंटैक रहा दिन भर। उसके बाद वहाँ से नीचे जब मोमेंट आई, आप देखेंगे यहाँ पे जब थोड़ा सा सेलिंग चालू हुआ तो एक यहाँ पे एक छोटा सा इन्वर्टेड हैमर बना, या तो ये आप देखो ये सेलिंग होने के बाद एक छोटा सा इन्वर्टेड हैमर बना और बाद में एक सेलिंग कंटिन्यू नीचे रही। इसके बाद ये हैमर बना, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि हैमर बनने के बाद जो उसका प्रीवियस कैंडल है उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस होना चाहिए। जैसे ऊपर में आप देखेंगे तो उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ, तो तब तक ये कंटिन्यू सेलिंग रही। नीचे सेलिंग आने के बाद आप देखेंगे इसका जो लो जो इंट्राडे का बना था उसका डाउनवर्ड एंगल में यहाँ पे हमको सपोर्ट मिला, यहाँ पे एक हैमर बना और प्रीवियस एंगल का अपवर्ड एंगल क्रॉस हो गया और यहाँ पे एक बाय सिग्नल बना। बाय सिग्नल बनने के बाद ये कंटिन्यूस ऊपर की तरफ वापस गया लेकिन हाई नहीं तोड़ पाया और वो अपवर्ड एंगल जो है वही अपवर्ड एंगल वहाँ पे हमको सपोर्ट के जैसे काम किया, लेकिन यहाँ पे बहुत साइडवेज मोमेंटम हो गई। तो एक ही बात मैं बोलूँगा कि 44,980 क्रॉस होने के बाद मेरे को 44,220 क्रॉस होने के बाद 45,600 तक का टारगेट ओपन हो जाएगा और नीचे में हमको 43,620 बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है, वो टूटेगी तो हमको बाय में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको निफ्टी का बता देता हूँ। निफ्टी में ऑल टाइम हाई के ऊपर ही जैसे 18,900 के ऊपर बाय करना है। 18,900 के ऊपर बाय करने के बाद 960, 19,030, 120, 130 ये सब लेवल ओपन होएगी, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है, 18,900 बाय ऊपर होने के बाद कोई भी हाल में 18,780 टूटना नहीं चाहिए और अगर 780 टूटता है तो हमको सेल करना है। फिर 730 का लेवल है, अगर 730 ये मीडियम टर्म से मतलब थोड़ा अच्छा सेल हो जाएगा, 900 टूटने के बाद 730 टूटा तो वो बहुत बड़ा सेल इससे हो जाएगा क्योंकि वो 200 पॉइंट ही हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमको देखना है तो 900 का लेवल टूटने के बाद अगर हम देखेंगे तो 800
या 800 के नीचे ही नहीं आना चाहिए, उसके नीचे आ जाएगा तो आपको इंट्राडे सेल मिल जाएगा। तो वो जो भी रहेगा मैं आपको इंट्राडे में कल आपको टेलीग्राम में बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, और टेलीग्राम में मैं आपको इंट्राडे के ट्रेड भी दूंगा, कॉल पुट के कल से मैं डालूंगा, कल थोड़ा कॉल पुट में भी आपको ट्रेड करवाऊंगा, बैंक निफ्टी निफ्टी में कैसे कॉल पुट में हम लोग कर सकते हैं, नियर बाय कम रिस्क में मैं आपको ट्रेड दूंगा। तो निफ्टी में 18,900 के ऊपर बाय हो जाएगा, ऑल टाइम हाई ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाएगा, और अगर आप आज देखेंगे तो फर्स्ट बार एक नीचे की तरफ आया और सेकेंड बार जोर से ऊपर आया और बाद में ये 18,875 में जाके रुका। रुकने के बाद आप यहाँ पे वापस आप एक बार देखेंगे, ये बड़ी कैंडल आने के बाद हमको मूवमेंट चेक करनी है, बड़ी कैंडल आने के बाद एक यहाँ पे वो कैंडल को क्रॉस किए बिना जब यहाँ पे एक हैमर बना, ये हैमर जैसे ही टूटा वहाँ पे सेलिंग आ गई। तो अपने को एक बड़ी कैंडल आने के बाद क्या मूवमेंट है वो हमको हर बार चेक करना है, और इसके बाद फिर यहाँ पे वापस आप देखेंगे ये डाउनवर्ड एंगल में, ये आज का लो का डाउनवर्ड एंगल में जाके मूवमेंट रुक गई और वहाँ पे एक छोटा सा हैमर बन के सेम जो निफ्टी में बैंक निफ्टी में बना वैसे ही यहाँ पे निफ्टी में बना और यहाँ पे ऊपर की तरफ हमको मूवमेंट दिखाई दी और बाद में पूरा साइडवेज मोमेंटम रहा। तो ऑल इन ऑल ज़्यादा कुछ नहीं है, हमको सिर्फ इतना ही देखना है कल एक्सपायरी में कि ऊपर की तरफ कितनी मूवमेंट आती है और कैसे आती है। तो कल जो भी रहेगा मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करूँगा पक्का। तो कल आप टेलीग्राम के कॉल्स को थोड़ा सा क्लोजली वॉच करेंगे तो बेटर रहेगा, जिसमें मैं डायरेक्शन भी आपको बताऊंगा और टाइम टू टाइम आपको ये लेवल्स भी बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।